जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रेवाड़ी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। रेवाड़ी के ब्रह्मगढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद कुंडल गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। कुंडल गांव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर शाम को जयपुर के लिए वापसी भी करेंगे। तो हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ताबड़तोड़ चुनावी माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से हरियाणा दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर आपको दिखेंगे। ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रेवाड़ी हेलीपैड पर जाएंगे और उसके बाद रेवाड़ी के ब्रह्मगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा को वोटों की अपील की जाएगी, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश आज की जाएगी, क्योंकि 3 अक्टूबर है आज और आज से मात्र 2 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है। 90 सीटों पर बीजेपी अपने पक्ष में माहौल को बनाते हुए आज नजर आएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जरिए, और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद आज फिर से वो राजधानी जयपुर के लिए वापस भी लौटेंगे। और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उदयपुर पहुंचेंगी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वां दीक्षांत समारोह आज है। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर मानपुर आबू रोड के लिए रवाना होंगी और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी। अगले दिन मानगढ़ धाम बांसवाड़ा पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। शाम को उदयपुर लौटकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज का शेड्यूल आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं उदयपुर से बड़ी खबर है। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और शाम को फिर उसके बाद दिल्ली के लिए उदयपुर से प्रस्थान भी करेंगी। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां निवारू रोड पर आपसी